आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई बार पूछा कि मैं अपने बालों को तंदुरुस्त कैसे रखती हूँ, हेल्दी कैसे रखती हूँ। तो सबसे पहला जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ ये कि मैं रोज योग और प्राणायाम का अभ्यास करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। उससे ही हमारी जो अंदरूनी मरम्मत होनी है, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है, किसी भी तरीके की कोई कमी है, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, हमारे ब्रेन का, हमारे सर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने मिस कर दी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगी, वो आप उसको ज़रूर देखना, तो उससे आपको मदद मिलेगी। दूसरा, मैं हमेशा रिलाई करती हूँ घरेलू नुस्खों पे, अपनी किचन पे, अपने आसपास उपस्थित चीज़ों पे, क्योंकि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद करी हुई है जो हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, और उनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के लिए मेरे पास क्या है, आज के लिए मेरे पास ये है, ये है फ्रेश गुड़हल की पत्तियाँ, इसको हिबिस्कस लीव भी कहते हैं इंग्लिश में, और इनके मदद से, इनका पेस्ट जब अभी मैं तैयार करके आपको बताऊंगी, बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये आपके बालों की कंडीशनिंग करता है, जो भी रिपेयर है, टूट है, फूट है, उसको रिपेयर करता है, आपके बालों को झड़ने से रोकता है। और अगर इसका मतलब हफ्ते में एक बार इसका पेस्ट बना के आप अपने बालों पे लगाएं तो आपके बाल तंदुरुस्त और खिले खिले दिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पेस्ट बनाती हूँ और फिर आगे बात करते हैं। तो ये सारे पत्तों को धुल लिया है मैंने, अब ये सारे जाएंगे ये मिक्सी के जार में। ये पिस चुकी है गुड़हल की पत्तियां और ये बन चुका है इसका पेस्ट। ये आसानी से आपकी स्कैल्प पे, आपके बालों की जड़ों पे, पूरे बालों में लगेगा और बहुत तंदुरुस्त आपकी स्कैल्प होने वाली है, बालों का झड़ना रुकने वाला है। अब इसको लगाना किस तरीके से, जिस भी दिन आप फ्री हो शाम के वक्त ऐसा पेस्ट बनाइए, बालों में लगाइए और एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए। एक घंटे के बाद आप सिंपल पानी से धो लीजिए, शैम्पू मत कीजिएगा उस दिन। जब बाल थोड़े से सूख जाएं तो चाहें तो बहुत अच्छी बालों की मसाज कर लीजिए, और जब नेक्स्ट डे सुबह होके आप बालों को अच्छी तरीके से धो के अपने काम पे जाएं, शैम्पू कर लें दूसरे दिन। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह लगाया, उनके पास टाइम नहीं रहता, 10 से 15 मिनट छोड़ा और तुरंत शैम्पू कर दिया, किया फिर उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी तरीके अपनाना। तो चलिए लगाते हैं इसको अपनी स्कैल्प पे। और बालों की ऊपरी सतह पे बहुत ये ना लिसलिसा सा होता है, जैसे अंडे की जर्दी होती है ना। तो ये तो एक नुस्खा है जो मैंने आपको बताया, ऐसे और भी कई सारे नुस्खे हैं बालों को झड़ने से रोकने के लिए, और जब बाल एक बार झड़ना रुकेंगे तभी वो ग्रोथ करेंगे। तो चाहे मेल हो या फीमेल, किसी को भी बालों का झड़ना अच्छा नहीं लगता। हर एक इंसान चाहता है कि उसके बाल तंदुरुस्त रहें, खुशनुमा रहें, खिले खिले रहें, और इससे हमारा बढ़ता है कॉन्फिडेंस। हमारे बालों का अगर स्वास्थ्य अच्छा हो तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये तो बालों में लग गया, अब इसको मैं कम से कम एक से डेढ़ घंटा, दो घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटा रोकूंगी और उसके बाद मैं नॉर्मल सिंपल पानी से धो लूँगी। और अगर इसमें आप थोड़ा सा तुलसी और नीम की पत्तियाँ मिला लें तो इसके और भी ज़्यादा फायदे हो जाएंगे। एंटीसेप्टिक होगा अगर बालों में, जैसे जूं वगैरह हो गई है, डैंड्रफ हो गया है, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बाल धुलने के बाद बताऊंगी कि कैसा लगा, और ये बाल धुलने के बाद और भी ज़्यादा लाइट हो गए हैं और भी ज़्यादा बाल शाइनी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं।
ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, जो कि गुड़हल की पत्ती को पीस के इस तरीके से बालों में लगाने के बाद कभी भी ख़राब नहीं हुआ है, इवन बाल और भी अच्छे और स्वस्थ हो गए हैं। आशा करती हूँ सेम एक्सपीरियंस आपका भी होगा, जब इस्तेमाल करिएगा बताना मत भूलिएगा। नमस्ते।